Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. चांदी मैम, समी किसी का मैनी पैडी नहीं कर रही है और क्लाइंट्स बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। भेजो। जी क्या क्या मसला है? क्यों नहीं कर रही हो पेडिक्योर? क्या करूं, बंद कर दूं अपना कारोबार कि तुम करा दोगी? ओ भाई क्या मसला है? अब मुझसे पेडिक्योर नहीं होता। क्यों, पेडिक्योर करने में क्या मसला है? पांव धो के पीने तो नहीं है? मिजाज ना ठीक रखो, अपना ये बूथा शरीफ ठीक कीजिए और जाके पेडिक्योर फरमाइए। चलिए। सॉरी। परफेक्ट, थैंक यू। दिल दा पानी पी कर अखिया घुट घुट रो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। पांव धोना तुम्हारा प्रोफेशन है, अच्छा भला काम है, अच्छा भला काम सीख गई हो, अब क्या तकलीफ है? बस अब मैं किसी के पैर नहीं धो सकती। चोर, अब घोड़े को घास बुरी लगने लग गई है। चले तो फिर आप बता दें कौन सा काम है आपके शाया निशान, वो कर लेते हैं। मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। एक लपड़ मरूंगी अगर रहीम यार खान का नाम लिया तो। मैं पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल ही मत मारी गई है भाई तुम्हारी तो। इतनी बड़ी होके निके निके बच्चों के बीच में बैठ के आले फनार बेबकरी करती, अच्छी लगोगी? मैं रहीम यार खान में एफए की पढ़ाई कर रही थी, मेरे इम्तिहान होने वाले थे जब ये सब कुछ, फिर मैं आपके पास आ गई। हे, पढ़ी लिखी हो तुम? तुम तो बहुत ही घामड़ हो भाई, बताया क्यों नहीं मुझे? उड़ो उड़ो, उठ के ऊपर बैठो कुर्सी पे। मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ, आप बस मेरे इम्तिहान दिलवा दे। जो पहले मैं कह रही हूँ वो करो, खड़ी हो कुर्सी पे बैठो। बोंगी ना होते, बताया क्यों नहीं मुझे? I love you, mom. ओए, ओए, बदमाश, तुम कब से मेरे पीछे खड़े हो भारतीय जासूस? जब से पाकिस्तान बना है। चलो चुप चुप के बातें सुनते हैं। क्या आपने देखा है? ओ भाई आंसू पोछो, आंसू पोछो। कुछ दिन और काम कर लो, थोड़े पैसे और जमा कर लो, फिर करते हैं तुम्हारी पढ़ाई का बंदोबस्त। और रोना बंद करो यार।
ओए, तू जेल से दौड़ा है? आए, आए, मेरा पुत्र आ गया। मेरी जमानत हुई है। किसने दी है तेरी जमानत? पुत्र, मैंने बोल दिया, मेरे लिए जिस ठाण पा पुत्र। चौधरी नवाज। ओए बेवकूफ, ओए उसने तेरी जमानत दी और तू बाहर ही आ गया। वो तुझे जेल में तेरी हफाजत के लिए डलवाया था। पुत्र, मेरे कोल आवे ले। वो सम्मी बगैरत का अभी तक कोई पता नहीं लगा, ना ही पता लगना। चौधरी ने इस मामले को अपनी इज्जत का मसला बना लिया है। अगर उसका पता ना लगा तो वो तेरे खून से अपने हाथ रंग लेगा। मैं हजार समिया अपने पुत्र के ऊपर से कुर्बान कर दूं। और तू तो चुप कर रहे, हमारी जान पर बनी हुई है, तुझे अपनी पड़ी है। गैरत समय, इसको तो मैं ढूंढ के निकालूंगा। बाजी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बात हमारी गैरत की। रिश्ते में इसका वारिस लगता हूं ना मैं, तो उसका क्या अंजाम होगा ये फैसला मैं खुद करूं। मैं खुद देखता हूं इस मामले। हाय मैं मर गई, मैं मेरे कलेजे की ठंड के पास है मेरा पुत्र है। पुत्र कितने जा रहे हैं? रुक जा, मां ने छोड़ के कितने जा रहे हैं? जब पढ़ी लिखी हो तो पढ़ाई छोड़कर ये काम करना क्यों आ गई? मेरे सवाल का जवाब दो, हाथ हटाओ और बोलो, अपनी मर्जी के साथ बोलो। मेरे वीर ने किसी का कत्ल कर दिया था, इसलिए। तो इसमें तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ था क्या? नहीं, कत्ल वीरे से ही हुआ था, मगर वीरे की जान बचानी थी, इसलिए उसकी जान के बदले मुझे वनी कर दिया। वनी? वो क्या होता है? जब भाई से कत्ल हो जाए तो उसकी जान के बदले बहन बनी दे देते हैं। कत्ल के बदले में बहन दे देते? वो किसका कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने? उसका जिससे मेरी शादी हो रही थी, शादी से एक दिन पहले, मेहंदी वाले दिन। I'm so sorry.
I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि मैं इतने तकलीफ से सवाल करने लगा हूँ. I'm sorry. I'm so stupid. माँ बिल्कुल ठीक कहती है. मैच्योर नहीं हूँ, लंबा हो गया हूँ. हाथ हटा दो प्लीज. मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, कोई भी सवाल नहीं करूँगा. तुम मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ. तुम बस रिलैक्स हो जाओ प्लीज. I'm sorry. गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, सम्मी किधर गई है? किसी कोने में बैठ के मैडम शमी मारा बाहर ही होगी आंसू. सम्मी किधर गई? मैं आपका बाथरूम धो रही थी. आज से नहीं धोगे, आज से तुम ना बाथरूम साफ करोगी और ना कोई और सफाई का काम. क्यों जी, आज से इनकी जिम्मेदारी आपने ले ली है? हम वो एक पढ़ी लिखी लड़की है. तो जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें कुर्सियों पर बैठ के रोटियां तोड़नी चाहिए, या जो कोई ना पढ़ सके तो उसका काम होता है बाथरूम साफ करना. मेरा ये मतलब नहीं था. जो भी मतलब था आपका भाई, अपने पास रखें. अपने मशवरे भी और अपनी हमदर्दी भी बांटने की कोई जरूरत नहीं है. जिंदगी गुजारने के लिए रगड़ा खाना पड़ता है. रगड़ा खाएगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, वरना ऐसे किसी कोने में माइयों बैठ के आंसू गिनती रहेगी. इसकी बातों में ना आना, इसे तो लगता है जिंदगी वाईफाई पे चलती है. हाथों की गाड़ी से चलती है जिंदगी, धक्का लगाना पड़ता है धक्का. एक नंबर की साला छकड़ा है जिंदगी, समझी हो? पार्लर खोल रही हूं, पहुंचो. और सुनो, इसकी बातों में आके बाथरूम आधा ना छोड़ देना, पूरा धोना और हाथ धोके कपड़े उठाना. नो वे. मॉम, मॉम मुझे नौकरी मिल गई है. नौकरी मिल गई है. अब मैं आपका मस्त खा सकता हूं. उतार मुझे नीचे, उतार और मैं गिर गई. बस अब फैसला हो गया है, मैं कमाऊंगा और आप आराम करेंगे. मेरी पहली सैलरी के बाद पार्लर बंद. चले सवारी पैदा नहीं होता, मैं अपनी रोजी पे लात मार दूं. बुढ़ापे में मैंने तेरी बीवी के आगे हाथ नहीं फैलाने भाई. वो तो शादी वादी कौन करेगा, माँ बेटा आराम से जिंदगी गुजारेंगे. बताना अम्मा, तुझे किससे ज्यादा प्यार है, मुझसे या वीरे से? बेटे ज्यादा प्यारे होते हैं, बेटियां तो पराया धन होती है. पराये लोग आते ले जाते. क्यों अम्मा? जी नहीं, माँ पे का ख्याल बेटियां ही रखती हैं, बेटे होते होंगे पराया धन. शादी हुई नहीं कि बीवी के हो गए, बस अब बीवी के सर में दर्द है, अब बीवी को मैके लेके जाना है, अब बीवी को शहर घुमाना है. बहुत तो नहीं बोलने लग गई तेरी बेटी है ना. अम्मा बता ना, तुझे कौन ज्यादा प्यार है, मैं के वीरा? मैं पागलो, तुम दोनों ही मेरी आंखों की ठंडक हो. एक आंख मेरा पुत्र और एक आंख मेरी ती. अम्मा तू बहुत चलाक नहीं हो गई हैं? नहीं पुत्र, ती उन्हें कौन सा हमेशा माँ पियो के घर में बैठे रहना होता है. मैं तो रहूं माँ पिता चली कहती. अल्लाह सबकी थियों के नसीब अच्छे करे, उनकी नसीब बेघर दे देता है. और पुत्र, पुत्र तो हमेशा ही माँ पियो के साथ ही रहते हैं उनके घर में. बस इसीलिए मैं अपनी दी को ज्यादा प्यार देती हूँ. मतलब प्यार तू दी को देती है पर करती मुझसे. अम्मा अब तू चलाकी कर रही है. अच्छा चल तू मैं उदास, तू मेरे नाल ज्यादा प्यार करनी है कि अपने वीर वीरे से? हाय मेरी गुड़िया, बनी ना मेरी दुबा मेरी सखी. Thank you.
अभी से सोच में पड़ गया शहजादे, शादी तो तुम मेरी मर्जी से ही करेगा। मेरे पार्लर में इतनी सारी जो औरतें आती हैं, ये हमेशा अपनी बेटियों के लिए नौकरियों वाले शरीफ लड़के ढूंढती रहती। अच्छा, मैं तो सिर्फ अपने बबलू की नौकरी का इंतजार कर रही थी। फिर से बबलू? तू दसिया नहीं किथे रहनी है? आप चुप कर जाए, इस तरह मैं ठीक तरह से आपका ब्लड प्रेशर नहीं ले सकती। हाँ, एक ही मशीन जड़ी बोलन ही नहीं देंदी। प्रादा ना की दसिया जी? उनका नाम निसार है। अब आप चुप कर जाए, मुझे ठीक तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करने दे। हाँ, वो जड़ा शेखा दे महल्ले च रहंदा है, उच्चा लम्मा जिया, कपड़े की दुकान है ना? मेरा जो भाई है ना, उसका नाम है निसार। वो लाल हवेली है ना, उसकी जो गली है वहां पे हमारा घर है। हम वहीं रहते हैं हमेशा से। वहां पे मेरे भाई की दुकान है, किराया भी वहीं से आता है और गुजारा भी उसी पे करते हैं हम। सही है, अब मैं ब्लड प्रेशर ले लूं? खामोश रहिएगा। चल ठीक, वैसे मैं समझ आ गई केड़ा है निसार। की कहंदी तेरी मशीन? आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल की मतलब? ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, ते मेरा ते प्रेशर कदे उत्ते थले होया ही नहीं। चलो, मेहरबानी तेरी। कोई बात नहीं। तुझे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि समी का भाई जेल से निकल आया और अब वो इसे तलाश कर रहेगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़की को किसी भी कीमत पर वापस गांव जाने की इजाजत ना देना वरना वो कत्ल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, यहां तुम उस वक्त क्यों रो रही थी जब मैं और मॉम बातें कर रहे थे? कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं, मैं नीचे चलती हूँ, चांदी मैडम नाराज हूँ। सुनो, कोई याद आ रहा है? मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। तो जाके अपनी माँ से मिलाओ। नहीं मिल सकती, माँ मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। क्या मतलब कबूल नहीं करेगी? क्या पता है वो भी तुम्हें याद करती हो? वो मुझे याद नहीं करती, बल्कि वो मुझसे नाराज है। मैं घर से भाग आई ना, इसलिए। तुम भाग आई हो माँ से छुप के? तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। फोन पे बात करोगी माँ से? नहीं, सीरियसली बात कर लो। नहीं, चुप कर नहीं भागना चाहिए था, वो बहुत परेशान होगी। वो परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है, किसी को इंतजार नहीं है मेरे फोन का। सबने मिलकर वनी कर दिया है मुझे। ठीक है, अब जाऊं मैं नीचे। सरकार, मैं तेनु फोन ते फोन कर रहे हैं, तेरा सारा वक्त के मसरूफ ही मसरूफ है। और कौन सा ऐसा तूने कारोबार शुरू कर दिया है कि तू सारा वक्त फोन पे लगा रहता है? फोन दिखा मेरे। फोन दे, मैं भी तो देखूं ना कि आजकल तेरा क्या कारोबार चलता है। काश ने वादा किया है ये समय की तलाश में हमारी मदद करेगा, तुझे इसकी मदद करनी है। मुझे वो चाहिए जिंदा या मुर्दा। हाजिर सरकार।
मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है, तू इससे बात कर। शादे, तुझे इसकी मदद करनी है, कोई चक्करबाजी नहीं सुनूंगा। तू इसकी तलाश पे नजर रखेगा और ये तेरी तलाश पे नजर रखेगा। छुप के निगाह कर लेते। मुझे मालूम था कि मेरे भाई मेरा रिश्ता तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। भाई और भाभी तो चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें उनके पास भेजा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये कहने का मौका ना मिले कि हमने छुप के शादी की। मैं आपके लायक नहीं हूं जी, लोग ठीक ही कहते हैं और आपका भाई भी। मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ, किसी के गुनाह का फल। मैं ऐसा मरीज हूँ जिसे वो वायरस वाली बीमारी हो गई हो और लोग उससे छुपते फिरते हैं और वो लोगों से। आप भी मुझसे दूर रहिए और मुझे भी अपने आप से दूर रहने की इजाज़त दे देंगे। गुलाम रसूल, हमारी शादी हो जाएगी ना तो अपना छोटा सा घर बनाएंगे और हमारी औलाद तो जायज होगी ना, दुनिया वाले उसे कबूल कर लेंगे, फिर हम उन्हें अच्छी तालीम देंगे, हमारे बच्चे वो बनेंगे जो हम नहीं बन सके। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जी, मैं ऐसी अच्छी जिंदगी आपको नहीं दे सकूंगा। टाइपिंग करते करते मेरी उंगलियां घिस जाती हैं और उसके पैसे मांगते मांगते मेरे पैर। कुछ इतने बड़े ख्वाब नहीं दिखाए आप। तो हम मिलके कमाएंगे, गाड़ी के दो पहिए बनेंगे, मिलके बोझ उठाएंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझसे निकाह कर लो प्लीज गुलाम रसूल, मुझसे निकाह कर लो प्लीज। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के घरों पे चेक किया, उसकी सहेलियों के घरों की भी जांच की है, पर वो कहीं नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। हवेली के मुलाजमों से पता किया जाए, क्योंकि वो गायब तो चौहान साहब की हवेली से हुई है ना। मुझे पक्का यकीन है कि अंदर का कोई बंदा मिला। मैंने चौधरी साहब को भी ये बात कह दी कि अंदर के बंदे के बगैर ये काम मुमकिन नहीं। चौधरी साहब ने कहा राशिद तेरी मदद करेगा। बेगैरत, लानत है तुझ पे। कुछ कहा तूने? खबरदार, जो तूने कभी हवेली के अंदर अपनी जुबान पे नाम भी लिया मेरे हाथों मारा जाएगा। तू सुना तूने, हवेली के अंदर सिर्फ दो लोगों की नजर है, एक मेरी माँ और बीबी साहब। कोई गैर हवेली का जिक्र करे मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। जिस तरह ये बैठक सरकार साहब की इज्जत है, इसी तरीके से ये हवेली मेरी माँ और बीबी साहब की इज्जत है। मैं नजर उठा के भी अंदर नहीं देखता हूं, नंगे पैर अंदर जाता हूं। मैं हवेली का जिक्र करता है माफिया। कमाल हो गया यार, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। मुझे लगा तुमने मुझे अपनी दोस्ती से ही अनफ्रेंड कर दिया। मुझे तो लगा कि कागान के ट्रिप पे तुम्हें ये पेंडू दोस्त संधि नहीं आया। क्या बात कर रहे हो यार, अब हमारी दोस्ती फेसबुक दोस्ती नहीं है जो एक क्लिक के साथ अनफ्रेंड किया जाए। और बाय द वे, पेंडू अगर प्योर इंसान को कहा जाता है तो उसका मतलब है कि आई लाइक यू।
तो ऐसा लगता है कि जो भी कराची के दोस्त हैं ना सब नकली, अब एक असली दोस्त मिला है। नकली दोस्त का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। बस दोस्त मतलब दोस्त। खैर मेरी कैसे याद आई तुम्हें? यार वो एक सवाल पूछ रहा था और मैं सवाल में फंस गया हूँ। यार वनी क्या होता है? वनी? हाँ हमारे यहाँ कुछ वनी होता तो है। अभी कुछ दिन पहले ही करीबी में एक लड़की को वनी तो किया गया है। एक मिनट मैं अपनी फूफी से पूछ के बताता हूँ। क्या है ये? वो क्या है ये? वो डोरी हो गई है तो उससे पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। वो घिस गया हूँ इतने बड़े बड़े खर्चे उठा उठा के, वो ये बिल इकल्ला भरूंगा मैं? फूफो तो इतनी लाइट खर्च नहीं करती अब्बा जी। घर में रहती है ना तो बिल के पैसे देने होंगे इसको। और तू खुद तो कोई काम धंधा करता नहीं है, वो इकल्ला चलाता हूँ ये घर, होता तेरे से कुछ नहीं आ जाता हिमायती बन के। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब्बा जी, तक फाइनल ईयर मुकम्मल नहीं हो जाता, मुझे ढंग की नौकरी तो नहीं मिलेगी, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब्बा से कोशिश कर रहा हूँ मैं, जानता हूँ मैं तेरी कोशिशें, कोशिश कर रहा हूँ। जो हिसाब से गल की है मैंने, उन को किसी उस्ताद की जरूरत है अपने पुत्र के लिए अंग्रेजी अंग्रेजी सिखाने के लिए, ना लिया तेरा, जाके शाबा उनको इंटरव्यू दे, मिल उनसे, और हो सके ना अपनी फुप्पो को भी नाल ले जा, किसी इज्जत वाले काम पे लगा दे उधर। पर फुप्पो इज्जत वाला ही काम करती है अब्बा जी, और इसे मसीहाई कहते हैं, और उसी मसीहाई से वो अपना हिस्सा अदा करती है। उसे एक बार काम पर लग जाऊं फिर फुप्पो का हिस्सा भी मैं ही दिया करूं। और जब काम पे लग जाएगा ना तो तू अपना हिस्सा देगा, ये अपना हिस्सा देगी मुफ्त में, खाली मैं अपने घर वाली का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ बस। चलिए ये तो अच्छा है, मैं सोच रहा था कि अपनी फूफो के हिस्से के साथ अपनी माँ का हिस्सा भी अदा कर दूंगा। बस ओए ज्यादा ना डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है प्यो के साथ, और बेगैरत समझा है मुझे, और तेरी माँ का हिस्सा लूंगा मैं, और मालका ने इस घर की, इसका घर है ये। तो क्या फूफो आपकी बहन नहीं है? क्या उनका कोई हक नहीं? और कौन सा हक, किधर का हक? और हमारा प्यो मरता मर गया, कुछ भी इसके ना नहीं करके गया, और पुत्र निकला है अभी तू, हमारे यहाँ जो बड़े फैसला करते हैं ना बड़ा सोच समझ के करके जाते हैं, और वैसे भी बहन बेटियों के हिस्से हक नहीं होते हमारे यहाँ, और इनके ब्याह हो जाते हैं तो जाके जो है अपने खावंद की जायदाद पे नजरें रखती हैं, वहाँ इनके हिस्से और हक होते हैं, समझ गया ना? अब भाइयों के पैसे और जायदाद पे नजरें नहीं होनी चाहिए इनकी। शादी शुदी तो होनी नहीं है इसकी, नौबत तो यहाँ तक आन पहुँची है कि चूड़े चमार रिश्ता लेके घर तक पहुँच गए हैं। तौबा तौबा, ये दिन भी देखने थे हमने। आपको पूरी चार दुकानों का किराया आता है, उसमें भी फूफो का हक है। और ज्यादा ना लिसन बताने की जरूरत नहीं है मुझे, समझाना मेरी गाल है। पुत्र जी, ये तेरी जुबान क्यों तड़-तड़ चलने लग गई है? फूफो जी ने तुझे भी बोलना सिखा दिया है? देखे हमारा बुढ़ापा खराब करने के लिए कसम से पक्का इंतजाम कर लिया इसने बीबी ने। मैं तो अपनी जुबान बंद ही रखता हूँ अम्मी जी, कहीं मेरी जुबान भी एक इल्जाम ना बन जाए। ना क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं। चंगा है पुत्र, बेहतर होगा कि जमान अपनी बांधी रखा कर, चल जा शाबा, जा जाके चौजी से मिल, ऐसा ना हो वो नौकरी भी हाथों निकल जाए, चल। जी। और गल सुन, ये बेले दर रख, तेरे वास का काम नहीं है, रख शाबा। बातें करा लो इनसे। PUNCTUALITY पंचुअलिटी PUNCLA पता नहीं क्या है, पंचुअलिटी के पता का नाम है। अम्मी जी मैंने नहीं बननी अंग्रेजी। की होया मेरे पुत्र नू? अब्बा जी बननी मिल गई। बड़ी फिक्र है मेरे पुत्र को अपनी बननी की। मुझे शादी करनी है अब्बा जी, मैंने नहीं पढ़ना, मैं बोर हो गई हूँ बड़ी। वाह जी वाह, साडा पुत्र तो जवान हो गया है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, तुम्हारी बीवी भाग गई, मेरी बेइज्जती करते। जिंदा मिले या मरता लेकिन मिलेगी जरूर। ओए मिलेगी तेरी बनी, लेकिन वो इस घर में तेरी बीवी बन के नहीं आएगी, बांदी बन के आएगी।
अरे बीवी तो मैं तेरी बड़ी शान वाली लेके आऊंगा, बड़े घर की लड़की वही तो तेरे काम करेगी, हवेली के किसी कोने में पड़ी रहेगी, तेरे जूते साफ करेगी, तेरी खिदमत करेगी, और फिर जब तेरी असली बीवी आएगी तो उसका भी ख्याल रखेगी, उसकी भी खिदमत करेगी। तू बस मेरा पुत्र पढ़ाई पर ध्यान दे अपना। मेरे से अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती अब्बा जी, मेरे सर में दर्द होता है, आंखों में आंसू आते। अरे कोई नहीं, मैंने बात की है किसी से, वो तेरे लिए एक क्या कहते हैं उसको, टूटर आ रहा है। फिर तो मैं उसी से उम्मा करवा लूंगा। जाना है मेरे पुत्र। क्या हो रहा था ये? बाल जलाने हैं क्लाइंट के? कितने ध्यान? खबरदार एक आंसू भी गिरा सम्मी। क्लाइंट यहां पे हमारी मनहूस शक्लें देखने के लिए नहीं आते हैं। मुस्कुराओ। शाबाश शाबाश, बस नहीं मुस्कुराओ। चलो माफी मांगो जाके, चलो सलाम सरकार। तुसी गुलाम नु याद फरमाया? अम्मा जरीना, तुझे कितनी दफा कहा है कि इस तरह मेरे सामने जमीन पे ना बैठा कर। बस चौधरी जी, ताडा ये कहना मैनु तख्त ते बिठाना है, बस मेरी जान हाजिर, जे तुसी कहो ते मैं सर हाथ ते रख के तानु पेश करा। ना अम्मा, अम्मा जरीना, तो मुझे ये बता कि राशिद को क्या हो गया है, और मुझे क्यों उसकी आंखों में चोर नजर आता है? मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। वो तो मेरी माँ है ना, प्यार करती है ना मुझसे, साबित कर। मैं तेरे ते सदके पुत्र, वफा की ते प्यार की, गुलाम दी जान ही ओदे प्यार दा सबूत होती है। अम्मा जरीना, मुझे राशिद के पेट से राज उगलवा के दे, और उसे मालूम है कि समी किधर है, मेरा दूध शरीक पड़ा है, तो तेरा एक को एक बेटा है। मैंने बड़ा सबर किया हुआ है, लेकिन तेरे दूध की कसम, अगर मुझे पता चल गया ना कि वो इसमें शामिल है, तो मैं उसको यहाँ फांसी से लटका दूंगा, और जो जो उसके साथ शामिल है उसको भी लटका दूंगा। राशिद की माँ दी जान हाजिर है, राशिद की चीज है, अफल ते राशिद बेवफाई कर नहीं सकता चौधरी जी। जे उन्हें कीती है किसी दी गल्ला चाके, ते उन्हों ते उस बंदे नू तुसी फाई ला दो, मैं तड़े पिछे खलोती हूं, मैं एक लफज नहीं बोलांगी।
क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना लगाती हूँ। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तो खुद ना जाया कर जब मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ ही बैठा कर। बैठो सरकार, बैठो। कि उठे जाके नुकरानियां नाल मुंह मारी करोगे? मैं हाजिर हाँ, मैनू दसो। आज तो मैंने राशिद का फोन उसे छीन लिया। पता नहीं केड़ी मशोक नाल गल्ला करता है। और मैंने भी कहा कि देखो तो सही किधर किधर तेरे राबते हैं, पर तेरा पुत्र बड़ा कुन्ना है, उसके राज उसके फोन में नहीं है, वो इसके अपने अंदर है। चौधरी जी सच तो है वे कि राशिद दे अंदर अपने ही बड़े गम छुपे ने। हर वेले उहदा बच्चा जाया हो रहा होंदा, वो तो चंगा है कि कुड़ी होंदी, वो तो आप बड़ा तंग है। हेलो। मिल गया मास्टर। हो गया काम? ठीक है। जग खेडता फिरे